स्वागत आपका फिर तो एक नए वीडियो में और एक नए साल में भी। तो सभी भाई मेरे भाइयों को, सभी भारतवर्ष को भाइयों को और जितने विदेश में मेरे भारतीय भाई रह रहे हैं सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। लाइफ में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो और ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो भाई यही मैं दुआ करूँगा सभी भाइयों के लिए। हम ना तो रेडी हो गए क्योंकि निक्की को भाई ऑफिस छोड़ के आना आज सोमवार। सोमवार की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फटाफट कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और फिर छोड़ जाते हैं इसको ऑफिस में। तो भाई जितने भी भाई नए साल पे ये वीडियो देख रहे हैं फटाफट भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ढेर सारा प्यार दे दो अपने भाई को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और दबा के भाई व्यूज़ बढ़ा दो इस वीडियो पर। मैं आ गया हूँ भाई निक्की को ऑफिस छोड़ के और ध्रुव जी भी बाहर गए हुए हैं। मैं करता हूँ उनका वेट क्योंकि कब तक आएंगे वो पता नहीं, उनको जाने दें। अपने मम्मा के घर पे सह परिवार, तो देखते हैं प्लान में क्या तब्दीली होती है। तो गाइस आ गया भाई शिवम भाई। शिवम भाई को आज नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ये भाई हमें जमुना माई के दर्शन करवा के लाएंगे। नए साल पे यमुना माई के वहाँ दर्शन करेंगे और भाई यमुना माई का जल ग्रहण करेंगे, पवित्र दर्शन होंगे और पूरा साल ऐसे ही खुशियों से भरा रहेगा भाई। और भाई की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए, हम तो यही दुआ करेंगे और जिंदगी में बढ़ता रहे आगे और जिंदगी के कांचे काटता रहे। सुलकाना धाम जा रहे हैं भाई, रसूलपुर के हमें तो गाइस हम पहुंच गए हैं भाई के खेतों में और बजे हिलो ये खेत क्या खतरनाक है। और यहाँ से थोड़ी दूर पे हमारी यमुना माता है। कितनी दूर होगी? बस ये आ गई 5-4 किलोमीटर रह गई। देख ले भाई, अरे ये सारे यहाँ तक आ जाना इतनी दूर। और देखो इस साइड रोज भाई, अरे हिरण भी देखने मिलेंगे ना 12 सिंह वाले थोड़ी देर में। अच्छा आ जाए यहाँ और गादड़ भी, 12 सिंह भी, हिरण भी। तो गाइस ये भाई खेत नहीं है, ये चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर भी नहीं है, ये जंगल है। जंगल सारी चीजें देखने को मिलती है यहाँ। देख लो भाई क्या खतरनाक गन्ने की बेहतरीन खेती हो रही है। ये मान लो ये सारा पूरा जब यमुना माई अपने फुल भाव पे होती है तो हर जगह पानी आ जाता है यहाँ, है ना, पूरे भर जाते हैं ना ये, मतलब कभी कभी 8-10 साल में। हाँ फिर भी यार जब आओ है, जब वो आ गया था पर सारे का पानी था यार। हाँ मतलब वहां लग गया था जहां। तो गाइस हम पहुंच गए हैं यमुना के पास और ये देखो ऑफ रोडिंग चल रही है भाई। देख लो कितनी रेती है। सिस्टम हैंग हो गया भाई देखो। और ये पीछे पूरा ये एरिया है ये यमुना का भाई, ये देखो ये पानी दिख रहा होगा आपको। बाकी पास में भी जाएंगे और वो सामने है यूपी, वो यूपी का गांव आ गया है। अब की बार तो वो यमुना में बह गया, तब बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने बड़ी सिक्योरिटी लगाई भाई। देख लो वो है यूपी। और ये है भाई शिवम भाई के खेत, यहाँ चल रहा है काम खेतों में। हाँ भाई की ऑफ रोडिंग बढ़िया थी। अब इसमें डाल लेंगे पानी, पानी को यहाँ तक पहुँचाएंगे फिर से चलाएंगे उसके बाद चलेगा इसमें पानी भाई। चल देखो गियर भाई गियर तू गियर दे तू भरते हैं। खेती करना कितना डिफिकल्ट है देख लो भाई। जी टास्क नहीं खेती कदे नु मानते हो इजी है। भर गया। हां चल चला चला गया भाई रेस दे। देख लो गाइस
हम पहुंच गए हैं यमुना माता के तट पे, और ये सामने यूपी का गांव, जूम करके दिखा देते हैं। देखो चल रहे भाई भी काम, काम भी चल रहा है भाई यहाँ। पिछली बार जब पानी बहुत ज्यादा था ये पूरा गांव काट दिया था, इतना तेज बहाव था पूरा गांव बह जाता, लेकिन प्रशासन की समझदारी की वजह से बच गया ये। वो गांव यहाँ तक था जहाँ हम चल रहे हैं। ओ भाई देख ले भाई, शिवम बता रहा है ये गांव यहाँ तक था, यहाँ तक था, इतना कट गया वो देख लो। ये जो मना उस गांव में चल रही है ये, बताओ यार। और पता है जब हमने जो ये खेत लिए, हमने जब ना क्रॉस कर कहानी पटक रही थी, बता ये भाई वो जमीन दिखाई थी ना उनकी, देख लो वो वहाँ है, इनको खुद यमुना क्रॉस करके आनी पड़ी थी। अब ये देख लो ये हम यूपी में एक तरह से ये कह सकते हैं ना, नेटवर्क पकड़ गया होगा फोन। पकड़ गया होगा, मैंने नहीं देखा अभी। देख लो भाई गिद्ध विद भी बैठे हुए हैं यहाँ, देखो ये देखो, नए साल पे इतनी पवित्र जगह आना भाई, ये साबत साल आऊंगा मलिक। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे नए साल पे यमुना माता के दर्शन हो गए। देख लो भाई पहुंच गए हैं माता पे, देख कितना साफ पानी है। कहीं मड़ी ही वो, ये देखो भाई कितना साफ जल है। ये देखो और लोग रेत भी भर के जा रहे हैं, देखो यहाँ से सब रेत वगैरह ये काम चल रहा है। देखो भाई जबरदस्त मजा आ गया दर्शन करके भाई। देख लो हरियाणा और यूपी का बॉर्डर, इतना इजी बॉर्डर है, आप पैदल भी भाई पार कर सकते हैं, लेकिन रिस्क है, क्या पता कब कहां कौन सी जगह गहरा हो, कुछ नहीं कह सकते। ये डंडे गाड़ रखे हैं जहां जहां गड्ढे अच्छा ना, अच्छा तो उसके भीतर मतलब कुंड है जो ये डंडी नहीं गाड़ रखी है, इसका मतलब ये देखो डंडी कुंड है, मतलब यहाँ गहरा है। हाँ यहाँ गहरा है भाई, नहीं जाना उस तय उरे उरे न जा सको अपनो। अरे वाह समझदार आदमी है वैसे। पर भाई यहाँ चोरी भी करना हो, ये हटे तो गंडे चोर ले गए थे, दारू सप्लाई कर लेते हैं कई बार भाई। देख लो ये अवैध खनन भी यहाँ होता है बहुत बार, बहुत सारे लोग करते हैं अवैध खनन, रेत का जो अवैध खनन होता है यूपी की तो भाई बात ही निराली है, बट अब सुधार है पहले से। और भाई यहाँ से ना बहुत बार दारू की सप्लाई भी करते हैं रात को, क्योंकि इजी है रास्ता जाने का और ये पूरा खेतों का रास्ता है। तो गाइस देख लो ऐसी खतरनाक जगह भी है हरियाणा यूपी में, ये देख लो यहाँ पे एक बॉर्डर है और ऐसे ऐसा, तो पूरा जो हमारी सोनीपत की बेल्ट है वो पूरे बॉर्डर पे ही है हरियाणा पंजाब के, पंजाब कह रहा हूँ हरियाणा और यूपी के, और हमारी जो पंचकुला की बेल्ट है वो है पंजाब बॉर्डर पे। देख लो ये यमुना माई, बिल्कुल बहुत ज्यादा नीचे वो यार पानी। तो गाइस देखा आपने, ये थी हमारी यमुना माता, और कैसे यहाँ से भाई इजी वे है जाने का यूपी में बिना किसी सिक्योरिटी चेक के। तो बहुत सारे लोग ऐसा काम भी करते हैं यहाँ से। देख लो भाई गाड़ी फंस गई है, ये देख लो भाई रेत में गाड़ी चलाने का नुकसान, देखो हमारी गाड़ी कैसे फंस गई है, कितना रेत है। सिस्टम आएंगे देख लो भाई, मार गया टायर ना तो। अरे यार दोनों तरफ तस्लीफ मार गया, देख लो भाई टायर कितने कितने रेत में धस गए। यमुना माता पे आए तो भाई सोच समझ के गाड़ी लाए, ये तो हमारी बड़ी गाड़ी है तभी हाल है, और छोटी होती तो क्या होता।
छोटी होती तो वो तो मर जाती पहले। देखो ये भाई बुलाया हमने, अभी हमें रेत हटाएगा। सिस्टम है हो जाएगा। लगता है निकल जाएगी। अंदर बैठो अब। पूरा मिट्टी में चल गया ये टायर। इसका पेट अड़ रहा है। थोड़ी मिट्टी हटाई है, देखो गहरा होगा। देखो गाइस निकलेगी या नहीं। आज वो है पहिया, वो ही पहिया फेल है। यो ना हिलता, वो स्लिप हो गया। वो स्लिप है, ये तो सेट है। अरे ये इसके नीचे हटानी है मट्टी। सिस्टम हैंग कर दिया, पाड़ दिया इसने तो। ड्रिफ्ट मारा ये, खुल गया। तो चल रही भाई, देख लो गाइस ट्रैक्टर बुला लिया है तो चल करना पड़ेगा। गाड़ी का सिस्टम हैंग हो गया है। देखो भाई टोचन सक्सेसफुल हो पाया। ले जा खींच के, ले जा मुश्किल से निकालिएगा। इस गाड़ी फंस गई थी यहाँ, सिस्टम हैंग हो गया था गाड़ी का। भाई आई सर में जान तो है ही, ये अजान के रोड़े। इन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, दो इन्होंने इतनी मदद करवाई ना तो कुत्ते फैल हो जाते आज। देख लो भाई ऐसे भी लोग आज इस दुनिया में, हम मदद के लिए तुरंत आगे, अदरवाइज सब सो नखरे करते हैं। फाइनली भाई इसने पता दिया हमें, वहाँ से निकाल के आना। अब बताते हैं ये सब चौचन वोचन। देखा गाइस सिस्टम हैंग हो गया था, बड़े मुश्किल से गाड़ी निकाली भाई आज तो, कुत्ते फेल हो गए थे। लेकिन इससे भाई को बहुत सीख मिली, एक तो जो जरूरी चीजें हो गाड़ी में होनी चाहिए, कभी भी ऐसे सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। टोचन के लिए जरूर भाई रस्सी बेल कुछ भी ऐसा सामान जरूर रखे गाड़ी में, और कभी ऐसे इमरजेंसी में टायर पंचर हो जाए तो हवा भरने के लिए एक पंप जरूर रखे गाड़ी में। ये इम्पोर्टेंट सीख है या नहीं है? बिल्कुल भाई। और देखो पूरी गाड़ी में रेत रेत हो गया भाई आगे। हाँ जी सर। तो गाइज चल पड़े अब घर पे, यमुना तय बढ़िया दर्शन हो गए हैं, और भाई खेत में भाई बढ़िया एंजॉय लिया।
तो आज के ब्लॉग का भाई के साथ यहीं करेंगे एंड, और कल मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। और वीडियोस धमाकेदार लगती हो तो भाई जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मतलब है धमाकेदार है ही भाई के ड्रिफ्ट के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करेंगे।